देखिए दोस्तों, ये LG का टीवी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इस टीवी में एक फॉल्ट है दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए, ये इसका IC नंबर है, ये LG का किट है दोस्तों। और इसमें जो फॉल्ट है वो इस डायोड का है, ये 110 की सप्लाई पे लगा हुआ है दोस्तों। तो ये डायोड बार बार शॉर्ट हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दो बार लगाए डायोड तो कुछ देर चलते ही ख़राब हो रहा था। और ये इसका ST नंबर है, देख लीजिए कि ST नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये 30 सेकंड या एक मिनट टीवी चलने के बाद डायोड हीट होके शॉर्ट हो रहा था बार बार। तो इसके लिए सबसे पहले जो ST सेक्शन होता है किट में, ST सेक्शन में जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर, जिसको आउटपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो किसी पे तो ये चेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो बीच वाला लेग है उसमें तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, और इसके आउट साइड वाला ट्रांजिस्टर हो सकता है। और ये ST है, ST लगा है, इसकी ST के पास में ये ट्रांजिस्टर लगा है। तो इसके लिए दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ दोस्तों। ये जो ट्रांजिस्टर लगा है ST के पीछे ये दिख रहा है, इसको मैं डिसोल्डरिंग से बाहर निकाल लेता हूँ। ये दोस्तों, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इसको बाहर निकाल के चेक कर सकते दोस्तों, अंदर तो चेक ये शॉर्टिंग दिखाता ही है। अगर बाहर शॉर्ट दिखाएगा तो ये ख़राब होगा, और अगर कुछ वैल्यू दिखाएगा तो ये सही होगा। जो आइट साइड के दो पिने होते हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पे, तो दोस्तों ये वैल्यू दिखा रहा है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब ये सही है। मैं एक बार वायर चेंज करके चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वही वैल्यू दिखा रहा है, मतलब ये सही है दोस्तों, ये सही है। तो ये सब कुछ देखने के बाद दोस्तों, मैंने जो आउटपुट का 110 की सप्लाई पे जो कंडेंसर लगा रहता है 160 वोल्ट का, उसको मैंने बदल दिया है, क्योंकि उसके ख़राब होने पर भी डायोड हिट होगा। और एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर के पास में एक PF लगा रहता है, ये ST सेक्शन का होता है, जो 1600 वोल्ट का होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है दोस्तों। इसकी वजह से भी जो ST हाई करंट लेती है, जिसके डायोड शॉर्ट हो सकता है, तो मैंने इसको बदल दिया। देखिए दोस्तों, ये 1600 वोल्ट का है। ठीक है दोस्तों, ये 1600 वोल्ट का, इसको मैंने चेंज कर दिया है। और इसको चेंज करने के बाद में लगता है कि ये सही हो गया है, तो इसको मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, ये अभी सीरीज में मैंने लगाया है, और ये चालू होके बंद हो गया सीरीज में दोस्तों, ये ऐसे ही होगा, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ठीक है दोस्तों, ये चालू हो गया है, ये ST में लाइट आ गई है। सामने आके स्क्रीन पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सामने स्क्रीन पे ये चालू हो गई है TV, और इसमें दोस्तों इतनी देर में डायोड शॉर्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब है सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई समस्या है, तो आप भी इन 2-3 चीज़ों को देख के आप TV को सही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।